नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इसके के और आज के इस वीडियो में आपको बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है फ्लेक्सी में उसके बारे में बता रहा हूँ। दरअसल बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था और बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल भी किया था कि सर जब भी मैं कुछ टाइप करता हूँ तो कुछ वो इस टाइप का आता है, राइट? जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता होगा। और जब भी इस टाइप की आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, अगर आप इसे सेलेक्ट करो और जब इसकी जो साइज है अगर वो आप बढ़ा दो तो ये डिज़ाइन क्लियरली दिख पाता है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली टाइप करो तो वो क्लियरली नहीं दिख पाता। सेम या सेम प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक सेपरेटली वीडियो बना दी जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं टाइप कर रहा हूँ तो क्लियर नहीं दिख पा रहा, लेकिन अगर मैं इसे बड़ा करूँ या फिर इसके साइज को बड़ा करूँ तो ये क्लियरली हमें दिख पाएगा। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे आप टेक्स्ट पे जाते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास, पहले मैं इसे साइड में कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे डिज़ाइन सेंटर में देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक जगह 4 लिखा हुआ, एक जगह 5%, यहाँ पे आपको बस चेंजेस करना है, यहाँ पे आपको 100% करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे 100% कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कीजिए, और यहाँ पे आपको 4 inches है उसको 4 inches ही रहने देना है। अगर आपका 3 है या फिर 2 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे जो है उसे आप रहने दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अब टाइप कर रहा हूँ तो वो क्लियरली आ रहा है, लेकिन इससे पहले नहीं आ रहा था, ठीक है? तो इस टाइप से आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर यहाँ पे 4 है या फिर 3 है, फिर उससे क्या होगा? अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3 डाला, अब देखिए यहाँ पे जो साइज़ है वो लेटर की वो 3 inches के हो गई। अगर आपको और आप चाहे तो यहाँ पे 2 या 1 जो मन करे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? मैं आपको एक बार 1 लेके दिखा देता हूँ, ठीक है? बस वहाँ पे साइज डिफरेंस होगा, लेकिन जो नीचे वाला जो ए का ऑप्शन है वहाँ पे आपका 100% होना चाहिए। तो फाइनली आपको इस वीडियो में मैंने जो भी सिखाया वो आपको समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।